मनोहर सरकार की प्राथमिकता है कि किसानों की जिंदगी खुशहाल बनाई जाए, तभी प्रदेश का भला होगा। हालांकि इस क्षेत्र में सरकार को अभी और बहुत कुछ करने की जरूरत है। प्रदेश का किसान आज एक ऐसी व्यवहारिक खेती विधि की तलाश में है जिससे उसकी कृषि की लागत घटे और उत्पादन और आय में बढ़ोतरी हो। प्राकृतिक खेती लागत कम करने के साथ फसल उत्पादन बढ़ाने में भी सक्षम है। इसे अपनाकर किसान अपनी आमदनी दोगुनी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार प्रदेश के किसानों को प्राकृतिक खेती को अपनाने की बात कहते रहते हैं, जिसका असर आज प्रदेश में साफ तौर पर देखा जा रहा है। पिछले कई सालों से खेती में काफी नुकसान देखने को मिल रहा है। इसका मुख्य कारण हानिकारक कीटनाशकों का उपयोग है। कीटनाशकों के उपयोग से खेती में लागत भी बढ़ रही है। भूमि के प्राकृतिक स्वरूप में भी बदलाव हो रहे हैं जो काफी नुकसान भरे हैं। रासायनिक खेती से प्रकृति में और मनुष्य के स्वास्थ्य में काफी गिरावट आई है। किसानों की पैदावार का आधा हिस्सा उनके उर्वरक और कीटनाशक में ही चला जाता है। यदि किसान खेती में अधिक मुनाफा या फायदा कमाना चाहते हैं तो उसे प्राकृतिक खेती की तरफ अग्रसर होना पड़ेगा। प्राकृतिक खेती वो खेती है जिसमें फसलों पर किसी भी प्रकार का रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। सिर्फ प्रकृति के द्वारा निर्मित उर्वरक और अन्य पेड़ पौधों के पत्ते, खाद, पशुपालन, गोबर खाद और जैविक कीटनाशक उपयोग लाया जाता है। इसी खेती के बारे में मनोहर सरकार किसानों को जागरूक करने का काम लगातार कर रही है। प्राकृतिक और जैविक खेती ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय रहेगा। एक तो जीरो बजटिंग, बजट कम हो, बजट ज़्यादा होने से ही अनवायबिलिटी है खेत की। फिर उसमें केमिकल्स के ऊपर आधारित जितने खेती है, जो इस समय जितने प्रोडक्ट्स हैं उसी बीमारियाँ बढ़ती हैं, तो हम केमिकल्स का उपयोग कम करके और प्राकृतिक खेती, गोबर आधारित खेती जो हमारे परंपरागत तरीके होते थे, या फिर आजकल उसके अंदर सुधार होकर के नई नई चीज़ें मिला करके उसमें, और खाद जो बनाए जाते हैं जैविक और प्राकृतिक खाद, उसके ऊपर आधारित खेती को हम आगे बढ़ाएंगे। और 100 क्लस्टर इसमें पहली बार 25-25 एकड़ के हम बनाएंगे, उनको सुविधा सहायता जरूर देंगे। रासायनिक खाद और कीटनाशक के उपयोग से जमीन की उर्वरक क्षमता खोती जा रही है। ये भूमि के लिए बहुत ही हानिकारक है और इससे तैयार खाद्य पदार्थ मनुष्य और जानवरों की सेहत पर बुरा असर डाल रहे हैं। रासायनिक खाद और कीटनाशक के उपयोग से मिट्टी की उर्वरक क्षमता काफी कम हो गई, जिससे मिट्टी के पोषक तत्वों का भी संतुलन बिगड़ गया है। इस घटती मिट्टी की उर्वरक क्षमता को देखते हुए जैविक खाद उपयोग जरूरी हो गया है। मनोहर सरकार लगातार किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर प्रोत्साहित कर रही है, क्योंकि प्राकृतिक खेती कृषि की प्राचीन पद्धति है। ये भूमि के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखती है, क्योंकि प्राकृतिक खेती में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि प्रकृति में आसानी से उपलब्ध होने वाले प्राकृतिक तत्वों और जीवाणुओं के उपयोग से खेती की जाती है। इतना ही नहीं, ये पद्धति पर्यावरण के लिए भी काफी अनुकूल मानी जाती है, साथ ही फसलों की लागत कम करने में कारगर साबित होती है। कृषि विभाग जैविक और प्राकृतिक खेती विषय को लेकर किसानों को समय समय पर प्रशिक्षण भी देता रहता है। वो बताया कि आप प्राकृतिक खेती और जैविक खेती कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी भी चाहते हैं कि देश में प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा मिले, क्योंकि हमने देखा है कि समय के साथ साथ जो रसायनों के जो दुष्परिणाम आए हमारी मिट्टी पे, हमारी फसलों पे, हमारे वातावरण पे, हमारे स्वास्थ्य पे, उसको कम करने के लिए हम कैसे जैविक हो या प्राकृतिक हो, कैसे किसान उसको अपना सकते हैं। हमने किसानों को बताया कि उसके क्या आपको लाभ होंगे, जीवामृत की, जैसे आज के समय में हम सबसे ज़्यादा बात करते हैं कि जीवामृत में किसानों को क्या है, बाहर से कुछ नहीं डालना, वो सब अपने खेत पे कर सकते हैं। इसके अलावा हमने किसानों को बताया कि जो किसान जब जैविक खेती करेंगे या प्राकृतिक खेती करेंगे उनसे उनको क्या फ़ायदा होगा और कैसे वो उसको अडॉप्ट करें, कैसे उसको अपनाएं, जीवामृत कैसे बनाएं। अभी हम एक बना के भी दिखाएंगे किसानों को कि जीवामृत किसान अपने खेत में कैसे तैयार कर पाएंगे। तो इस दौरान किसानों के भी सवाल आपके पास आए, किस तरह के सवाल रहे? हाँ, किसान देखिए, किसानों के बीच में सबसे बड़ा भय पता क्या रहता है, जब हम कोई जैविक खेती की या प्राकृतिक खेती की बात करते हैं ना, किसानों को लगता है जी मेरी पैदावार ना घट जाए या मैं कैसे कर पाऊंगा। तो उसी के बारे में हमने किसानों को बताया कि देखिए, यदि आप एक सक्सेसफुल
प्राकृतिक खेती करनी है तो आपको गाय का रखना बहुत जरूरी है, जिसमें कि हम देसी गाय बोलते हैं। देसी गाय का गोबर है, उसका गौमूत्र है। गाय के गोबर के अंदर ही आपके ऐसे करोड़ों सूक्ष्म जीव हैं जो कि आपकी मिट्टी में जब जाएंगे तो वह आपकी पैदावार को भी अच्छा करेंगे और बहुत सारी बीमारियों से रोकथाम भी करेंगे। तो किसान का जो मेन डर रहता है वो पैदावार को लेकर रहता है। हमने उन सब चीज़ों को उनको बताया कि इसमें इतना घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मेहनत लगेगी आपको इस खेती में, बट इसके जो परिणाम होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। कोई मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे किसानों के लिए? किसानों के लिए देखिए, सबसे बड़ा मैसेज जो मैं हमारे पूरे अपने सेंटर की तरफ से करूँगा, रसायन मुक्त खेती और रसायन मुक्त भारत। यदि हम ये कर पाएंगे तो ये हम हमारे देश को कुछ अच्छा एक से रिजल्ट दे पाएंगे। रासायनिक खादों के प्रयोग से मिट्टी जलवायु में दुष्प्रभाव बढ़ रहा है, इसलिए किसान प्राकृतिक खेती को अपनाएं। ये अपील देश के मुखिया नरेंद्र मोदी से लेकर प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल की ओर से समय समय पर की जाती है, क्योंकि प्राकृतिक खेती से किसानों को लाभ होगा, जिससे किसान प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर होने भी लगे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ये मुहिम आज प्रदेश में रंग लाने लगी है। वो जो अपनानी चाहिए, क्योंकि रसायन की जो खेती है उससे काफी नुकसान हो रहा है स्वास्थ्य को भी, लोगों को भी, प्रकृति को भी, इसलिए उसके बारे में जानकारी लेने के लिए आज हमें आए यहाँ पे। हमें रसायन मुक्त खेती के बारे में जो बताया जा रहा और इस विषय के जो जानकार हैं हमारे बीच में आज आए हैं कृषि महकमे की तरफ से, और वो हमें इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कि हमें रसायन को छोड़ के, कीटनाशकों को छोड़ के, और किस तरह से हम अपनी खेती को सुधार सकते हैं। खाद को लेकर किस तरह की बात की गई, प्राकृतिक खेती में किस तरह के खाद का उपयोग किया जाए? खाद के लिए वो गाय रख के और उससे गोबर से और मूत्र से उन्होंने खाद बनाने की विधि जो हमें बता रहे हैं, और एक गाय से भी कई एकड़ खेती में हम खेती कर सकते हैं। जी, मैं समझता हूँ कि रसायनों का जो नुकसान आज देखने को मिल रहा है मनुष्यों के ऊपर और सभी प्रकृति के ऊपर भी, पर्यावरण के ऊपर भी, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि हमें रसायनों को जो है छोड़ना चाहिए, चाहे हम धीरे धीरे ही छोड़ें, लेकिन इसे छोड़ने का वक्त आ गया है। और उसी विषय पर जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो हमें ये जानकारी दे रहे हैं, और बहुत अच्छी जो जानकारी वो दे रहे हैं और हमें अच्छी लग रही है, हम इसे जरूर अपनाने की कोशिश करेंगे। हम पिछले कई सालों से रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग फसलों पर करते आ रहे हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो चुकी है और भूमि के प्राकृतिक स्वरूप में भी काफी बदलाव हो रहे हैं, जो किसानों के लिए काफी नुकसानदायक हैं। रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग से जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। किसानों की फसल पैदावार कमाई का आधा हिस्सा रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक खरीदने में चला जाता है, क्योंकि रासायनिक कीटनाशक काफी महंगे होते हैं। ऐसे में कई कारणों से जरूरी हो जाता है किसान प्राकृतिक खेती को अपनाते हुए अपने आप को स्वस्थ रखें और कम लागत पर अधिक से अधिक मुनाफा कमाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का लक्ष्य किसानों की आमदनी में वृद्धि करना है, ताकि प्रदेश का हर किसान खुशहाल हो सके। इसके लिए कई योजनाओं पर काम जारी है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। किसानों को प्रगतिशील किसान की श्रेणी में खड़ा किया जा रहा है। खेती किसानी में आने वाली दिक्कतों को दूर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये दावा है कि ऐसा करने से न सिर्फ किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी, बल्कि प्राकृतिक खेती की पैदावार से लोग भी स्वस्थ होंगे। तो चलिए, दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक नई योजना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।